हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन माय चैनल हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा ट्वेल्थ क्लास का सिक्स चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है और इस चैप्टर में आज हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ द जॉब मेथड क्या होता है इम्प्लॉय जॉब के ऊपर रहते हुए ट्रेनिंग ना लेकर अलग से दूसरी जगह जाकर मतलब वर्किंग न होते हुए जब वह ट्रेनिंग लेता है तो उसको ऑफ द जॉब मेथड कहते हैं उसका जो फर्स्ट जो मेथड है वो है क्लासरूम रूम लेक्चर्स कॉन्फ्रेंसिस लेक्चर और कॉन्फ्रेंसिस अप्रोच इज वेल अडेप्टिड टू कन्वेइंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रूल्स प्रोसीजर्स एंड मेथड्स लेक्चर और कॉन्फ्रेंस अप्रोच उस टाइम पे एडोप्ट की जाती है जब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रूल्स कोई प्रोसीजर या मेथड को

डिमांसट्रेट किया जाता है जिससे कि वह और अधिक इंटरेस्टिंग लगता है और इससे जो एम्प्लॉई है उसका अटेंशन उसको सीखने में और अधिक बढ़ता है और वो जो डिफिकल्ट पॉइंट है वो अच्छे से इम्प्लॉयज को क्लियर हो पाते हैं सेकंड ऑफ द जो मेथड है वो है फिल्म्स। दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लिस डिमोन्स्ट्रेट स्किल्स दैट आर नॉट ईजिली रिप्रजेंटेड बाई द अदर टेक्निक्स इस मैथड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और स्किल को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है जो कि दूसरा जो मैथड है दूसरी जो टेक्निक है उसमें इतना अच्छे से रिप्रजेंट नहीं किया जाता यूज इन कंजक्शन विद कॉन्फ्रेंस डिस्कशन इट इज ए वेरी इफेक्टिव मेथड इन सर्टेन केसेस जो कॉन्फ्रेंस डिस्कशन है वह मेथड कुछ जो निश्चित जो केस होते हैं किसी भी काम को सीखने के उसके लिए यह इफेक्टिव होता है थर्ड जो मेथड है ऑफ द जॉब टेक्निक का वो है केस स्टडी टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है केसेस रिप्रेजेंट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल रियल प्रॉब्लम्स दैट मैनेजर्स हैव फेस्ड और इस टेक्निक में जो मैनेजर एक्चुअल में काम करते टाइम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसको डिस्क्राइब किया जाता है ताकि जब फ्यूचर में वही इम्प्लॉज़ एज ए मैनेजर वो काम करते हैं और जो सेम प्रॉब्लम जब अराइज होती है तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें ट्रेनिज स्टडी इन द केसेस टू डिटरमाइन प्रॉब्लम्स ट्रेनिज जो है वो केस स्टडी इसलिए करते हैं ये पता लगा सकें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है एनालाइज काजिज और उसके अराइज होने के क्या कारण हैं डेवलप अल्टरनेटिव सोल्यूशन और उनके लिए सोल्यूशन निकालना उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूँढना खोजना सेलेक्ट वाट दे बिलीव टू बी द बेस्ट सोल्यूशन और उनके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन बेस्ट हो सकता है वो डटरमाइन करना एंड इम्प्लीमेंट इट और फिर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना इस तरह से जब इम्प्लॉयज केस स्टडी करते हैं तो उनको पता लगता है कि एक जो प्रॉब्लम अराइज हुई उसका सॉल्यूशन किस तरह से किया गया फोर्थ जो मेथड है ऑफ द जॉब मेथड का वो है कंप्यूटर मॉडलिंग द वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोग्रामिंग ए कंप्यूटर टू इमिटेट रियलिटीज ऑफ द जॉब एंड अलाउ लर्निंग टू टेक प्लेस विदाउट द रिस्क और हाई कॉस्ट दैट वुड बी इन अकर्ड इफ ए मिस्टेक वर मेड इन रियल लाइफ सिचुएसन इस टेक्निक में कंप्यूटर में एक इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें इम्प्लॉयज़ जो है वो उस सॉफ्टवेयर में जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी जगह पे अपने आप को रिप्लेस करके और जो जो जॉब की जो, 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 जो रियलिटीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो मेथड है इसमें कॉस्ट जो है वो कम आती है और जो रियल लाइफ सिचुएशन में जो गलतियाँ होती हैं जैसे कि अगर किसी कोई एम्प्लॉई कोई गलती करके उस काम को सीखेगा उससे कंपनी की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि जो काम उसने किया गलत उससे कंपनी को लॉस हो चुका होगा लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर पे वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखता है तो वो अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो एक एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो गलती हुई है तो इससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता तो इससे जो इम्प्लॉयज की सीखने की जो कॉस्ट है वो कम आती है फिफ्थ जो मेथड है ऑफ द जॉब का वो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्रोम इसमें इम्प्लॉयज़ जो जिन इक्विपमेंट पे उनको काम करना है उनके ऊपर काम सीखते हैं बट यह है जो ट्रेनिंग दी जाती है यह है जो एक्चुअल वर्क फ्लोर है वहाँ पे नहीं दी जाती, वहाँ से दूर दी जाती है एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट आर क्रिएटेड इन ए क्लासरूम एंड एम्प्लॉयज यूज़ द सेम मटीरियल्स फाइल्स एंड इक्विपमेंट इसमें एक क्लासरूम में एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है जिस तरह से लोग किसी भी फैक्ट्री में या ऑफिस में जैसे काम करते हैं उसके जैसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उनको सेम मटेरियल्स दिए जाता है फाइल दी जाती हैं और इक्विपमेंट दिए जाते हैं काम करने के लिए दिस इज यूजली डन वह इम्प्लॉईज आर रिक्वायड टू हैंडल सोफिस एंड एक इस तरह की ट्रेनिंग एम्प्लॉय को जब दी जाती है जब उन्हें कोई ऐसी मशीनरी को हैंडल करना है जो कि बहुत ही मॉडर्न है, और जो इक्विपमेंट उनको यूज करने हैं, वो बहुत ही मॉडर्न है तो उनके ऊपर काम करने के लिए उनको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है कर, जो जो मेथड है वो है प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शंस दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स ए प्री अरेज एंड प्रोपोज्ड एक्विजिशन ऑफ सम स्पेसिफिक स्किल्स और जर्नल नॉलेज यह मेथड किसी स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज को सीखने के लिए यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन इज ब्रोकन इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स इसमें इंफॉर्मेशन को जो मीनिंगफुल यूनिट्स होते हैं जो मीनिंगफुल पार्ट बनते हैं उनमें डिवाइड किया जाता है एंड दीज यूनिट्स आर अरेंज इन प्रॉपर वे टू फॉर्म ए लॉजिकल एंड सिक्वेशनल लर्निंग पैकेज फिर से उनको अरेंज किया जाता है एक प्रॉपर वे में जिससे कि उनका लॉजिकल और सिक्वेंशनल लर्निंग पैकेज तैयार किया जा सके जैसे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस तरह के का यह एक मेथड होता है जिसमें जो इंफॉर्मेशन हो है उसको यूनिट्स में डिवाइड करके उसको अलग अलग करके उसको अच्छे से समझा जाता है द ट्रेनिंग गोज थ्रो दीज यूनिट्स बाई आंसरिंग क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरह से जो यूनिट्स बनाई जाती हैं उनमें ट्रेनिंग उनको शॉर्ट आउट करता है उनकी क्वेश्चन के आंसर देके या जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करके यह एक तरह से इम्प्लॉयज़ का टेस्ट लिया जाता है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हमारा जो सिक्स चैप्टर था स्टाफिंग वो कंप्लीट हो गया है थैंक यू सो मच प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच